बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। इस समय नर्सरी में गुलाब की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। इसी समय पौधे खरीद लेने से सर्दी के मौसम तक अच्छे फूल पाए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं स्नेह, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिड बिट्स ऑफ लाइफ में। गुलाब के फूलों के कुछ पौधे मैंने नर्सरी से खरीदे हैं। सभी पौधों पर फूल खिले हुए हैं, कुछ कलियां भी आई हुई हैं। गुलाब के कौन कौन से पौधे मैंने खरीदे हैं, पौधा खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखा है, पौधों को हेल्दी रखने के लिए केयर मैंने कैसे की है, आज का वीडियो इसी के बारे में है। पौधा खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पत्तियां बड़ी और गहरे हरे रंग की होनी चाहिए। दाग लगी हुई, पीली या सड़ी हुई पत्तियों वाले पौधे लेने से बचना चाहिए। पत्तियों में कोई बीमारी लगी हुई हो सकती है। पौधे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पौधे में कम से कम 3-4 ब्रांच होनी चाहिए। यहाँ से पौधे की ग्राफ्टिंग हुई है, जिसमें से 3-4 स्टेम निकली हुई है। स्टेम ज़्यादा सूखी हुई या सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। खरीदते समय ही पौधा हेल्दी रहेगा, पौधे की ग्रोथ तेजी से होगी, कम केयर में ही फूल ज़्यादा आएंगे। जो पौधे मैंने खरीदे हैं वो ये हैं। केयर कैसे की है वीडियो में आगे है। हल्के पीले रंग के गुलाब का ये पौधा है, एक फूल खिला हुआ है, 3-4 कलियां हैं। दूसरा पौधा लाल गुलाब का है, जिसमें हल्की सी खुशबू है, फूल 1-2 दिन में पूरा खिल जाएगा। छोटी छोटी कई सारी और भी कलियां हैं। इसके बाद जो रंग मुझे पसंद आया, हल्का ऑरेंज कलर है। दो फूल खिलने वाले हैं, कुछ कलियां छोटी हैं। एक और पौधा जिसके फूलों का रंग हल्का गुलाबी लिए हुए सफ़ेद रंग का है। पौधे पर कलियां भी हैं लेकिन छोटी हैं। एक और पौधा जिसके फूलों का रंग गहरा गुलाबी है। फूल खिले हुए नहीं हैं, सिर्फ कलियां हैं। हल्की सी मुरझाई हुई हैं, शायद खिलेंगी या सूख जाएंगी। गुलाब के ये पौधे मैंने परिमल नर्सरी से खरीदे हैं। एक पौधा 50 रुपये का है। नर्सरी से लाए हुए पौधे कभी सूख जाते हैं या सड़कर खराब हो जाते हैं। आइए देखते हैं नर्सरी से लाने के बाद पौधों को हेल्दी बनाए रखने के लिए मैंने क्या केयर की है। पौधों को लाकर मैंने छाया वाली जगह पर रखा है। 2-3 दिन बाद इन्हें ऐसी जगह रखूंगी जहां कुछ घंटों की धूप आती हो। सूखी और सड़ी हुई पत्तियों को काटकर हटा दिया है। कटी हुई जगह पर फंगिसाइड का पाउडर लगा दिया है। नर्सरी में पौधे बाहर से लाए जाते हैं। पौधे में या मिट्टी में फंगस लगी हुई हो सकती है। पौधे की पत्तियों के ऊपर फंगिसाइड डालकर पानी का स्प्रे किया है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम साफ फंगिसाइड मैंने डाला है। बावस्टीन या कोई दूसरा फंगिसाइड भी यूज़ किया जा सकता है। मिट्टी में पानी डालते समय भी 1 ग्राम फंगिसाइड 1 लीटर पानी में मिलाकर दिया जा सकता है। पौधे में कीड़े लगने या बीमारी लगने से बचाने के लिए 1 चम्मच नीम ऑयल 1 चम्मच लिक्विड सोप के साथ 1 लीटर पानी में मिलाकर दिया जा सकता है। ये ग्राफ्टेड पौधे हैं, लाल मिट्टी में लगे हुए हैं। लाल मिट्टी में लगे हुए ये पौधे ज़्यादातर पूना से आते हैं। जहाँ का मौसम हमेशा एक जैसा रहता है, ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, वहाँ के लिए ये मिट्टी अच्छी होती है। लेकिन दूसरे शहरों में जहाँ मौसम गर्म होता है या ज़्यादा सर्दी पड़ती है, मौसम में नमी नहीं होती, ऐसी जगहों पर लाल मिट्टी में लगे हुए पौधों की केयर ज़्यादा करनी पड़ती है।
पौधों को नर्सरी से लाए हुए एक दिन ही हुआ है, पौधे हल्के से मुरझाने लगे थे, मिट्टी सूखने लगी है, छूने पर पत्थर जैसी कड़ी लग रही है। पौधा लगाने के लिए लाल मिट्टी अच्छी होती है, हेल्दी होती है, लेकिन ये मिट्टी पोरस होती है, जिससे इसमें पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता। मिट्टी जल्दी सूख जाती है, कड़ी हो जाती है। सूखी और कड़ी मिट्टी में पौधा अपनी जड़ें दूर तक नहीं फैला पाता, पौधे की ग्रोथ जल्दी नहीं होती है। मिट्टी कड़ी होने से पौधे की रूट्स को पानी नहीं मिलता, पौधा सूख सकता है। लाल मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए पानी देते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पानी कम होने से मिट्टी सूखकर कड़ी हो जाती है। पानी ज़्यादा होने से मिट्टी हमेशा गीली रहती है। पौधे की जड़ में फंगस लगने का डर होता है, पौधा सड़ सकता है। पौधे अभी नर्सरी बैग में ही लगे हुए हैं। पानी देने के लिए पौधों को मैंने प्लास्टिक की प्लेट में रखा है। प्लेट में पानी डालने से पौधे की जड़ें जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पानी नीचे से लेती रहती है। पानी इतना ही डालेंगे मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहे। मिट्टी ज़्यादा गीली होने से पौधे की जड़ों में फंगस लगने का डर होता है। बारिश का मौसम है, यहाँ हवा काफ़ी तेज़ है। तेज हवा से पौधों को बचाना चाहिए। जड़ के पास से स्टेम हिल सकती है या टूट सकती है। एक पौधे की मिट्टी स्टेम के पास से हट गई है, जिसे मैंने बराबर कर दिया है। पानी देते समय यहाँ से अंदर जाके जमा हो सकता है, जिससे पौधे की जड़ सड़ सकती है। पौधे को लाए हुए दो दिन हो चुके हैं, पौधे बिल्कुल हेल्दी हैं, आधे खिले हुए फूल पूरे खिल गए हैं। जैसे जैसे फूल खिल जाएंगे, सूखने के बाद इन्हें मैं काट दूंगी। फूलों को काट देने से बीज नहीं बनेंगे, पौधा अपनी एनर्जी नई पत्ती और नई कलियां बनाने में लगाएगा, पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होगी। 8-10 दिन तक पौधे अगर हेल्दी रहेंगे, उसके बाद इन्हें मैं पॉट में लगा दूंगी। गुलाब के इन पौधों को गमले में लगाते समय इस मिट्टी को हटाकर जो मिट्टी हमारे यहाँ मिलती है उसमें लगाऊंगी। वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। नर्सरी से जब हम पौधों को लाते हैं, फूल बड़े बड़े खिले होते हैं, पौधे की पत्तियाँ भी हेल्दी और बड़ी होती हैं। कुछ दिनों बाद खिलने वाले फूल छोटे खिलते हैं, पत्तियाँ भी छोटी होती जाती हैं। 3-4 महीने तक केयर अच्छी तरह होने से फूल भी बड़े खिलेंगे, पत्तियाँ भी बड़ी और हेल्दी रहेंगी। किसी भी पौधे को नर्सरी से जब हम घर लाते हैं, पौधे का हेल्दी रहना, ज़्यादा फूल आना हमारी सही देखभाल पर निर्भर करता है। सर्दी के मौसम में अच्छे फूल देने के लिए पौधे को धीरे धीरे तैयार करना है। पौधों की देखभाल अभी से करना ज़रूरी है। गुलाब के पौधे की काफ़ी केयर करनी पड़ती है, इसमें 3-4 महीने का समय लग सकता है। पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे होती है, जिसमें पेशेंस रखना ज़रूरी है। पौधे को हेल्दी रखने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुलाब के पौधे को 4-5 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। अच्छी मिट्टी में खाद सही मात्रा में मिली हुई होनी चाहिए। ज़्यादा पानी या ज़्यादा खाद देने से बचना चाहिए। पौधा सड़ सकता है या सूख सकता है। पौधे को फंगस और बीमारी से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे 10-15 दिन के बाद बाद ज़रूरत के हिसाब से करते रहेंगे। सही देखभाल करके पौधे पर ज़्यादा फूल पाए जा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे खरीदे हुए पौधे आपको कैसे लगे कमेंट्स में बताइएगा। खरीदते समय और किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताइएगा।
मिलते हैं फिर जल्दी ही किसी नए फूल या पौधे के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।